तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप हे सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हेलो सोच रही थी कि क्यों ना आज हे आपसे अपनी क्यों। सारी पेंटिंग्स, जो भी हाँ चीज़ें मैंने बनाई है वो शेयर करूं। यस चलिए वही मैं आपके साथ गुड शेयर करती हूँ। ठीक है। पीछे जो आप पेंटिंग दिख रहे हैं, एक्चुअली वो मैंने नहीं बनाई है। काफ़ी बड़ी पेंटिंग है तो वो तो मैंने नहीं बनाई है। तो ये पेंटिंग्स मैंने अपने जो काउचेस हैं उनके वाह ऊपर लगाई हैं। कितने एंड ये देखिए जी, देख रहे हैं, ये स्टोन पेंटिंग है और ये भी मैंने ही बनाई है। बिल्कुल तो ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये भी मैंने ही बनाई है सारी। और देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो फोटोज है मेरे हस्बैंड की और दीदी लोगों की। और ये भी, ये उनकी छोटे की फोटो है। और ये वाला गणेश जी भी मैंने बनाए थे। ये जो फोटो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये वुडन ब्लॉक से बनाया है। ऐसे ही जो वेस्ट पड़े हुए ये जो ब्लॉक्स थे वो लाए थे मेरे हस्बैंड, तो उनसे ही मैंने ये बनाया था। और जो ये इसमें फोटोज लगी हुई है आप देख रहे हैं, ये फेड हो चुकी हैं। एक्चुअली ये प्रिंट निकाला था इन फोटोज का। फोटो पेपर जो आता है ना उसमें निकाला था इनका, मतलब प्रिंट। देखिए आप ये कैसे इस तरह से फेड हो गई है। तो ऐसे तो निकाल के कोई फायदा ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद फेड हो जाती हैं फोटोज। पहले तो काफी अच्छी थी, मतलब फेड हो गई हैं। तो ये देखिए, ये भी उनमें से एक चीज है जो चीजें मैंने बनाई हैं। तो इसे मैं चेंज करने वाली हूँ अब, इन फोटोज की जगह मतलब दूसरी फोटोज लगेगी यहाँ पर। और ये इसके ऊपर जो आप थ्री पेंटिंग्स लगी देख रहे हैं, वो भी 3 4 साल पहले बनाई थी मैंने। एंड ये देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने नहीं बनाया है, बट ये मेरे हस्बैंड का वाइल्ड लाइफ फोटोज का कलेक्शन है। ये नेचुरल है एक्चुअली, मतलब कोई ऐसे पेंटिंग वेंटिंग या ये सब नहीं है। ये कैप्चर की गई हैं, कैमरे लगाए जाते हैं फॉरेस्ट में, तो वहां से ही कैप्चर की गई हैं। ये पेंटिंग भी आप पहले देख चुके हैं, वैसे स्टोन आर्ट है, तो वुडन ब्लॉक में ये स्टोन आर्ट की हुई है। एंड ये स्टोन आर्ट भी जो आप देख रहे हैं, इनको भी 2 साल हो गए हैं बनाए हुए। तो घर के अंदर की तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, जो जो पेंटिंग्स मैंने की हुई हैं। तो बाहर भी की थी वॉल में, वो भी मैं आपको एक बार दिखा। काफ़ी पहले की थी जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ से तो प्रॉपर दिख नहीं रही है क्योंकि स्टैंड और गमले वगैरह लगे हैं इसके आगे। एंड ये देखिए, ये भी और ये कैंस्टर में भी किया था, बट ये देखिए अभी फेड हो गया है कलर इसका। तो देख सकते हैं आप, बकेट में भी पेंटिंग की हुई है। और ये मटकी जो है, ये भी काफी पहले की थी, इसमें भी श्री कृष्ण जी। तो अब मेरा बेटा ने ये एक बार गिराया था, तो ये देखिए दरार भी आ गई है इस पे। तो ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है। देखिए ये भी बनाया है। और ये भी देखिए, ये भी उन्होंने ही बनाया है। एंड देखिए, ये भी उन्होंने ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैंने कितनी क्या क्या पेंटिंग्स की थी, तो यही मेरा आज का ब्लॉग था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ अपनी सारी चीज़ें जो भी मैंने बनाई थी। तो अभी फिर से मैंने सोचा है कि एक बार और बनाऊँ। सोच रही हूँ कि एक वॉल पेंटिंग करूँ फिर से, तो वो ब्लॉग भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी।
तो अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपके कोई भी सजेशंस हो मेरे लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।